Hello student, in this video we are going to discuss your class 8 subject Sanskrit reader. Okay, so we discuss chapter 8 name is Prahelika Antaralapash. तो chapter का क्या नाम है बेटा? Prahelika Antaralapash. Okay, तो देखिए प्रहेलिका यानी पहेली, अंतरालापाश्च्य मीन्स क्या होता है. देखिए प्रहेलिका और अंतरालापाश्च्य में हम क्या अंतर ढूंढेंगे कि पहले इसके पहले हम आपको ये बता देते हैं. इधर है देखिए ये है बेटा, ये कुछ हैं वर्ड पावर देख लीजिए. पेयम मीन्स पीने योग्य, प्रोक्तम कहा गया है, त्रकम छाछ, सक्रस्य इंद्र, करिणाम हाथियों का, कुलम समूह, कायर किससे होता है? कातरह से, अपलायनम यानी भाग जाना. ठीक है, तो नई धातुएं भी आई हैं, मृगाधिराज यानी मृग प्लस अधिराज. ठीक है, तो जंगल के राजा के लिए यूज हुआ है. ओके, अब आइए देखते हैं हम. ठीक है, समस्त पद ये है, कुछ इसमें समस्त पद में भी हैं, कृष्णमुखी, द्विजोवी, पंचवर्ती, वायुयानम. ओके, अब तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रहेलिका. और देखिए यहाँ भी कुछ है, कृष्णमुखी यानी काले मुख वाली, मार्जरी यानी बिल्ली, द्विजीवी दो जीभों वाली, पंचवर्ती पांच पतियों वाली, पांचाली द्रौपदी, बीचरथ सैर करता है, प्रतियागता वापिस आई, भक्षिता खाना खाया, मांसभोजी मांस खाने वाला, मृगाधिराज पशुओं का राजा. देखिए पशुओं का राजा, मृगाधिराज मीन्स क्या होता है? पशुओं का राजा. और दूर, तो मृगाधिराज मतलब पशुओं का राजा. दूरदृष्टा दूर तक देखने वाला, तीव्रगामी तेज चलने वाला, एकोन विस्त यानी 19 मतलब एक कम 20, 20 एक कम, एकोन विस्त. स्नानार्थम बना नहाने के लिए, त्वरिता तीव्र और जायते उत्पन्न हो जाता. तो हम आइए आपके इसमें चलते हैं. देखिए प्रहेलिका और अंतरालाप. प्रहेलिका में क्या है, इसमें आपको ये श्लोक सुन के इसके आधार पे आंसर देना है. और अंतरालापा में क्या होता है, इसको आपको इसी में इसका आंसर छिपा है. तो आइए देखते हैं हम लोग. कृष्णमुखी न मार्जरी यानी पहली, देखिए कृष्ण के काला मुख है, कृष्णमुखी काला मुख है, न मार्जरी पर बिल्ली नहीं है, द्विजहू न च सर्पिणी, द्विजहवी न च सर्पिणी, दो जीभें हैं पर वह सर्पिणी नहीं है यानी सांप, पंचवर्ती न पांचाली, पांच पति हैं पर वह पांचाली नहीं है, यह जानात स पंडित, यह जानात स पंडित, जो वह बुद्धिमान ही होगा जो यह नहीं जानेगा, यह नहीं जानेगा. तो बुद्धिमान लोगों से देखिए टच में है और पांच सब. तो क्या होगा बेटा इसका, इसका आंसर है पेन यानी कलम. कलम जो नीब वाली पेन आती थी, स्याही जिसमें भरी जाती थी, तो वाली कलम की बात हो रही है. ठीक है, सेकंड देखिए, तो इसका क्या है कलम सेकंड में भाई, विचरति आकाशे न तु वायुयानम, आकाश में तो विचरण करता है मतलब आकाश में घूमता है पर वह वायुयान नहीं है, मांसभोजी न मृगाधिराज, मांस तो वह खाता है पर वह मृगाधिराज यानी पशुओं का राजा नहीं है, दूरदृष्टा न च योगी राजा, दूर देखता है यानी वो बहुत दूर तक देख सकता है परंतु वह योगी राज नहीं है, योगी नहीं है, कथया कह ऐसा अति तीव्रगामी, ऐसा कथन किसके लिए कहा गया है, कौन है वो जो तीव्रगामी भी यानी बहुत तेज चल सकता है? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बाज. ठीक है, बाज. अब आइए नेक्स्ट में थर्ड, एकोन विशत स्त्रीणाम स्नानार्थ सरयूम गता विसंति प्रति याताश्च एक व्याघ्रेण वच्छित यानी एकोन विशत मतलब वह
एक कम 20 है, 19 स्त्री स्नान करने कहाँ गईं, सरयू को गईं, सरयू नदी में गईं, यानी 20 से एक कम स्त्री स्नान करने कहाँ गईं, सरयू में गईं। और 20 प्रतियाताश्च एक व्याघ्रेण बचत, 20 तो वापस आ गईं, परंतु एक को क्या किया, बाघ ने खा लिया, भक्षित यानी खा लिया। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा क्या, 20 स्त्रियां थी और एक पुरुष था, ठीक है, 20 स्त्रियां थी और एक पुरुष था। थर्ड का, फोर्थ का देखिए, भोजनान्ते, भोजनान्ते च किं पेयम्, यानी कि भोजनान्ते च किं पेयम्, जयंत कस्य वयसुत कथम विष्णु पदम अंतरालापम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, यानी भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजन के साथ और वह क्या करता है, क्या पीता है, यानी कहने का मतलब है कि भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, क्या पीता है। जयंत कस्य वयसुत, तो इसका क्या होगा, भोजनान्ते च किं पेयम्, तो इसका होगा भोजन के बाद क्या, छाछ। जयंत कस्य वयसुत, जयंत के पिता कौन हैं, यानी जयंत किसके पिता है, तो कस्य वयसुत किसके सुत हैं, तो क्या होगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर होगा इंद्र का, यानी जयंत किसके किसके हैं, इंद्र के हैं, ठीक है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्र सक्रस्य दुर्लभम, ऐसा कथन विष्णु के लिए कहा गया है, तक्र सक्रस्य दुर्लभम, ऐसा कथन विष्णु के लिए कहा गया है, विष्णु पद के लिए कहा गया है, तक सक्रस्य दुर्लभ, सक्रस्य में क्या होगा, इंद्र का मैंने बताया था ना, तो उसका क्या होगा, वो किसके लिए मिलता है, तो उसका क्या है बेटा, दुर्लभ, यानी दुर्लभ, तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, छाछ इंद्र का दुर्लभ, ठीक है। अब देखिए, युधिष्ठिर कस्य वह पुत्र, युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं, गंगा वहति कृदस, गंगा कैसी बहती हैं, हंसस्य शोभा का वस्ति, हंस की शोभा कैसी है, कैसी होती है, धर्मस्य त्वरितागत, धर्म की गति कैसी है। तो देखिए, युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं, कुंती के, ठीक है, युधिष्ठिर किसके पुत्र हैं, कुंती के, गंगा वहत कृदस, गंगा कैसी बहती हैं, तेज बहती हैं, हंस से शोभा का वस्ति, हंस की शोभा किससे होती है, चाल से होती है, धर्म से त्वरिता गति, धर्म की गति किससे, धर्म की गति किससे होती है, धर्म से ही होती है, ठीक है। तो इसका हो गया ना, देखिए इसका, चलिए ये हो गया बेटा अब आपका, अब उसके बाद क्या है, सिक्स कस्तूरी, देखिए सिक्स में आइए, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किस में मिलती है, कहंती कर्णामकुलम, कहंती कर्णामकुलम, कौन हाथियों का क्या करता है, शिकार करता है, कौन हाथियों का शिकार करता है, किम करोति कात्र युद्धे, कौन युद्ध से भाग जाता है, उसे क्या, यानी युद्ध से जो भागता है उसे क्या कहते हैं, कस्तूरी किसके किसके में मिलती है, पाई जाती है, कहंती कर्णामकुलम, हाथियों का शिकार कौन करता है, मृगात सिंह पलायन, अब देखिए मृगात सिंह पलायन, मृग के मृगात मृग सिंहों से पलायन कर जाता है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर कस्तूरी जायते कस्मात, ये हिरण में मिलती है कस्तूरी, हाथियों का शिकार कौन करता है, सिंह, और किम करोति कातर युद्धे, कौन भागता है, कायर भागता है, ठीक है, ऐसा ही मृगात सिंह के पलायन से है, ठीक है। तो शब्द शक्ति में देखिए बेटा, शब्द शक्ति आप लोगों ने देख लिया, मैंने बताई दिया था, तो आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है बेटा, ओके, थैंक यू।